प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा बहुत जल्द आ रहे हैं आपको टिप्स देने की कैसे आप बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तो देखना मत भूलिए आई इंडिया न्यूज चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा, मैं आ रही हूँ बहुत जल्द आपको कुछ टिप्स देने, देखना ना भूलिए आई इंडिया चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का इंटर का छात्र हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ आई इंडिया न्यूज चैनल पर परीक्षार्थियों को टिप्स देने, देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, आप देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ आज आई इंडिया के स्टूडियो में ये वो मेधावी छात्र हैं जो, या इनका जो स्कूल है प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद, जो जब भी यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएँ होती हैं उसके बाद जो परीक्षा फल आता है, तो सीतापुर जनपद का नाम ये प्रदेश की सूची तक ले जाते हैं और गौरवान्वित करते हैं। अभी पिछले साल की अगर बात करें तो इसी विद्यालय के जो छात्र और छात्राएं थीं उन्होंने टॉप जो जनपद की सूची थी उसमें तो स्थान बनाया ही था, प्रदेश की सूची में भी स्थान बनाया था। तो ऐसे मेधावी छात्रों को हमने उन परीक्षार्थियों के लिए बुलाया है जो बोर्ड की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। इन जो छात्र हैं इनसे आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपकी परीक्षा में मदद करेंगे, या यूँ कहिए आपका परीक्षा फल अच्छा करेंगे। तो परीक्षाएं जो है अभी निश्चित तौर पर 24 अप्रैल से शुरू होंगी और वो मई तक चलेंगी, लेकिन उससे पहले ये जो विद्यार्थी हैं, ये होनहार जो छात्र हैं, ये आपको बताएंगे कि क्या टिप्स हैं, कैसे ये लोग अच्छे अंक लाते हैं, ये भी आपको जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो प्रकाश विद्या इंटर कॉलेज महमूदाबाद, ये खास क्यों है, ये जान लेना भी ज़रूरी है। यूपी बोर्ड की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं होती हैं, कैसे ये अपना स्थान वहाँ बनाते हैं, कैसे यहाँ के गुरुजन जो हैं बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि वो अच्छे अंक के साथ साथ जनपद का भी नाम रोशन करते हैं। तो ये जो विद्यालय है, ये निश्चित तौर पर इसके जो प्रबंधक हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, वो हैं ओम प्रकाश वर्मा। और ये विद्यालय 2010, अगर बात करें 1981 में स्थापित हुआ था, लेकिन 2010 में इसे जो है इंटर विज्ञान और कला वर्ग में इसे मान्यता भी मिल गई थी। उसके बाद से जब ये ऊँचाइयों को छूना शुरू किया, उसके बाद निरंतर ये ऊँचे बढ़ता जा रहा, ऊँचाई पर ले जा रहा। खास बात जो है इस विद्यालय की ये है कि यहाँ पर पढ़ने वाले एक भी छात्र छात्राएं कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो भी पढ़ाई है वो विद्यालय की पढ़ाई है। और ज़्यादातर यहाँ पर उस क्लास के बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब वर्ग से आते हैं, मतलब सुविधा संपन्न नहीं होते हैं, लेकिन उनमें किस तरीके की प्रतिभाएँ होती हैं या वहाँ के जो गुरुजन हैं उनको इस लायक बनाते हैं जिससे वो ज़िले की सूची में ही नहीं बल्कि प्रदेश की सूची में भी स्थान बनाते हैं। तो चर्चा हम शुरू करेंगे और परिचय कराते हैं एक बार हमारे साथ जो बैठे हुए हैं प्रकाश विद्या इंटर कॉलेज के हाई स्कूल के छात्र हैं, जो इस बार परीक्षार्थी भी हैं, उनका परिचय कराते हैं। तो उधर से हम परिचय कराएंगे विवेक कुमार, और फिर मेरे जस्ट बगल में बैठे हुए हैं आयुष सिंह, इसके बाद इम्तियाज़ अहमद, और बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हुए हैं शिवांग तिवारी। तो हम शुरुआत करेंगे विवेक कुमार से, जानेंगे कि जो हाई स्कूल में परीक्षा देने जा रहे हैं इस बार, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक वर्मा, मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का 10th का छात्र हूं। मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक पाना है, 90 एवं अगर बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनना है, तो टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करें और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, जिससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। हमें जितना पढ़ना है वो उतना बहुत माइंड से पढ़ना है, 2-2.5 घंटे से पढ़ने, लेकिन
माइंड से पढ़ें और हमारा मन जो होता है जिससे हमारा मन बहल जाता है और हमें अनेक अंक पाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। टाइम टेबल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है जिससे हमें साथ ही कार्य को अलग कार्यक्रम को रूटीन में चाहिए जिससे रूटीन हमारा चलता रहता है। हम 6-7 घंटे पढ़ें लेकिन उसका कोई मीन नहीं निकलता है, लेकिन अगर 2 घंटे से पढ़ें, अगर मेहनत लगन से पढ़ें तो उसका कोई मीन अच्छा मिलता है। इससे हमें टाइम टेबल के अनुसार कार्य को कर देना चाहिए जिससे हम बोर्ड में अच्छे एग्जाम में नंबर पा सकते हैं। तो टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ये कहना है विवेक कुमार का। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई पर भी इनका फोकस नहीं है, जितनी देर पढ़ें वो मन लगा के पढ़ें, लगनशीलता से पढ़ें। इनका कहना है कि 6-7 घंटे पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो 2-2.5 घंटे भी मन से पढ़ लेते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर उनका कदम चूमेगी। अब हम चलेंगे आयुष सिंह के पास, इनके जानेंगे इनके क्या टिप्स हैं। मेरा नाम आयुष शर्मा है और मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र हूँ। इस वर्ष कोरोना महामारी चल रही थी जिसके कारण हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। अपनी पढ़ाई को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अपने विषयों का एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। इसके अनुसार हमें हर एक सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में हम थोड़ा धीम होते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तथा जो हमारा लर्निंग वर्क होता है उसे सुबह के टाइम करना चाहिए। सुबह का वातावरण होता है शांत होता है जिससे हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है और हमें हर एक चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। जैसे हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे बेसिक हमें समझना चाहिए। अगर हम उस बेसिक को समझ जाते हैं तो चैप्टर में आए जितने क्वेश्चन होते हैं हम सारे लगा सकते हैं। और इसमें मैथ में हमें फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन फार्मूले से ही लगते हैं। मैथ में हर एक तरह के क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन को एक तरह के क्वेश्चन को हमें अलग अलग कर लेना चाहिए। पहले हमें छोटे छोटे क्वेश्चनों को लगाना चाहिए, बाद में आगे क्वेश्चनों को लगाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। इसके लिए हमें बीते 5 वर्षों के बोर्ड अनसॉल्व पेपर को हल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। तो जिस विषय में आप कमज़ोर हैं उस पर ध्यान दें और जिस विषय को लेकर के आपको जानकारी उसमें पारंगत होना चाहते हैं तो 5 साल का उसका पूरा एक उठा लें और अनसॉल्व पेपर को करें। ये टिप्स दिया है आयुष ने और ये परीक्षार्थियों का के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी, चूँकि अब बहुत कम समय बचा है। ये अलग बात है कि प्रदेश सरकार ने इस बार परीक्षाओं की डेट बढ़ा दी है, आपको एक सुनहरा अवसर ज़रूर दिया है, समय ज़्यादा दिया है आपको, लेकिन पिछले कई महीनों से कोरोना काल ने जो आप पर ग्रहण लगाया था उसकी भरपाई आपको ही करनी है और आपको ही तैयारी करनी है। तो इस तरीके से हम आज जो होनहार बच्चों की एक यहाँ पर डिबेट करा रहे हैं, ये टिप्स दिला रहे हैं उन विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को जो हाई स्कूल की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे साथ प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ही जो छात्र हैं, पहले हम चलेंगे इम्तियाज़ अहमद के पास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद अंसारी है, मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमें टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि हमारे सभी विषय एक साथ अच्छी तरह से लर्न हो सकते हैं और हम उनको अच्छा टाइम दे पाएंगे जिससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और हम ये बताने देना चाहते हैं कि हम जितनी देर पढ़ें उतनी देर फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ें, किसी के दबाव से मत पढ़ें, अपने माइंड को एकदम फ्रेश करके फिर पढ़ें। और पढ़ाई के बीच बीच में हर घंटे पे हमें 10-5 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, इससे क्या होता है कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और जो हम लर्न करते हैं वो हमें अच्छी तरह से याद रहता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि लगातार पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि बीच में अपने आप को रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि आप जो चीज़ कोई लर्न करते हैं वो आपको ठीक तरीके से याद रहे और उसको आप भूले ना। ये टिप्स हैं छोटे छोटे, अगर अन्य विद्यार्थी अन्य परीक्षार्थी इसको याद कर लेते हैं अपने जीवन में तो निश्चित तौर पर ये उस स्कूल के विद्यार्थी हैं जहाँ के बच्चे हर साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप करते हैं, यानी कि टॉप 10 की सूची जनपद की हो या प्रदेश की, वहाँ भी अपना स्थान बनाते हैं। तो आइडियल हैं ये बच्चे और आइडियल है वो स्कूल और वहाँ के गुर्जन जो उन्हें इस लायक बनाते हैं, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। और हम फिर चलेंगे एक बार इसी विद्यालय के जो हाई स्कूल के छात्र हैं शिवांग तिवारी, उनसे जानेंगे वो कैसे बोर्ड की परीक्षाओं की इस बार उन्होंने तैयारी की है।
टाइम टेबल बनाकर हमको पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले हमको टाइम टेबल बनाना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है ये तो ये है फॉलो करना उसको जी। जो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं उसको वो एक दिन सक्सेस जरूर हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने, टाइम टेबल पर ही ज़्यादातर बच्चों का जोर है और उसको बना करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं, ये शिवांक ने हमें बताया। और फिर एक बार हम चलेंगे विवेक कुमार के पास और उनसे जानेंगे कि इसके अलावा अगर वो अन्य कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए, चूंकि आपका विद्यालय एक आइडियल है, ऐसे में आप उनको जो टिप्स दे रहे हैं उनके लिए एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है, तो उन्हें बताइए कि अब कम समय बचा है, कैसे वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और कम समय में कैसे वो अच्छा अंक ला सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सब सर्वप्रथम स्कूल जो टीचर्स हों वो स्कूल का माहौल भी अच्छा हो और हमारे स्कूल के टीचर जो है एक्सपीरियंस हों, जिससे वो हमें कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ाएं तो सबसे पहले अगर चैप्टर पढ़ाएं तो सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट के माध्यम से उसे समझा दें, जिससे हमें न्यूमेरिकल्स एंड अन्य अदर्स क्वेश्चन जो हैं पढ़ने में सहायता मिल जाती है और हमें आसानी से समझ में आ जाता है। हम टीचर्स के बताए गए वर्डों पर बहुत ध्यान दें और जिससे हमें अपनी बोर्ड परीक्षा में अंक पाने में आसानी होती है। अगर हम टीचर्स के बताए वर्डों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक नहीं पा सकते। तो जो अध्यापक जो गुरुजी इनको बताएं उन पर ध्यान दें, उनके जो बताए हुए वर्ड हैं उन पर विशेष कर ध्यान दें और उनको अगर ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे अंक उन्हें मिलेंगे, ये बताया आपने और ये बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि क्या अन्य विद्यालयों के भी, यानी कि जो टीचर हैं वो क्या प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के जैसे होंगे? क्योंकि आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और 5-5 गुना फीस वसूली जा रही है, रिजल्ट जब आता है तो वो कितने पीछे होते हैं ये शायद कहने की बात नहीं है। और ये जो इलाका है जहाँ पर ये विद्यालय है ये बहुत ही पिछड़ा इलाका कभी हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ पर शिक्षा का जो स्तर या शिक्षा का जो हब बनता जा रहा है, निश्चित तौर पर वहाँ के विद्यालय के जो प्रबंधक हैं उनकी अपनी सोच तो आई है, लेकिन इसमें जो सारी मेहनत है वो वहाँ के गुरुजी की होती है। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, ऐसे विद्यार्थियों को इस लायक बनाया कि आज वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के बच्चे आज विभिन्न सेवाओं में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, चाहे IAS हो, PCS हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, यहाँ के पढ़े हुए बच्चे निरंतर आगे जा रहे हैं और निरंतर बड़े बड़े पदों पर भी विराजमान हो रहे हैं। हम चलेंगे आयुष सिंह के पास और जानेंगे कि वो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स बताएं कि वो आत्मसात करके और वो भी इस लायक बने कि उन्हें भी अच्छे अंक मिल सकें। सबसे पहले तो हमें स्कूल को रोज़ाना जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गैप नहीं करने चाहिए और जो हमें क्लास में पढ़ाया जाता है उसे एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए और घर आकर भी उसका रिवीजन करना चाहिए। जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती है उसे दोबारा कल आकर किसी टीचर से पूछना चाहिए और उसे समझना चाहिए। जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती उसे घर आकर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, जिससे हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जैसे हम कोई फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी शब्द आते हैं उनके हमें मीनिंग पता होनी चाहिए। उस इससे ये होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छे समझ में आ जाता है। अगर हम कोई न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं उसमें फार्मूले होते हैं, उनमें के फार्मूले में जितने शब्द हैं उनके बारे में जाना चाहिए, जिससे हमें न्यूमेरिकल गाने में आसानी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने से हम ऊँचाइयों को छू सकते हैं। तो वाह, देखिए क्या बात कही है आयुष ने कि हम मतलब स्कूल नियमित जाएँ, ये बहुत बड़ी सीख है। जब स्कूल जाएं तो जो चीज़ हमें नहीं आती है वो गुरुजी से पूछें, तो निश्चित तौर पर जब ये सब करेंगे आप तो सफलता तो आपको मिलेगी ही। और ये टिप्स है उन विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा देने जा रहे हैं UP बोर्ड हाई स्कूल की, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। अब फिर एक बार इम्तियाज़ अहमद के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कम समय के लिए, कम समय बचा है, किन किन बातों का खुद ध्यान रख रहे हैं और जो साथी हैं जो और विद्यार्थी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हम स्कूल से जाने के बाद हम खाना पीना खाने के बाद उसके बाद थोड़ी देर अपना गेम खेलते हैं या कोई भी इंटरटेनमेंट करते हैं, उसके बाद हम एक घंटा लगभग पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद हम खाना पीना शाम का होता है, उसके बाद रेगुलर की तरह हम रोज़ाना की तरह हम अपनी पढ़ाई करते हैं टाइम टेबल से पढ़ाई करने से ये होता है कि हम सभी अपनी विषयों को
अच्छे से टाइम दे पाते हैं और जिससे हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि आप पहली बात तो पर डे स्कूल जाएं और वहाँ पर जो आपके टीचर बताएं उसको कायदे से सुने, उसे कंसंट्रेट होकर समझें और जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। यदि आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे तो होना क्या है कि जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो जो आपके टीचर बताए होंगे अगर वो आप भूल गए हैं तो आपको एक सोच पड़ेगी कि हमने क्लास पूछ लिया होता। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अपने टीचरों से अपने डाउट्स को क्लियर करें। वैसे तो हमारे स्कूल के सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट्स हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि और नियमित रूप से पढ़ाई करें। नियमित रूप से पढ़ाई करने से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो जो डाउट्स हैं उसके लिए वो संकोच न करें और टीचर से ज़रूर पूछ लें, तो ताकि कोई ऐसे उनमें भ्रांतियाँ या कुछ ऐसा ना बचे। और टीचर जब उन्हें बता देंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे और उस पर उनका डाउट्स खत्म हो जाएगा। शिवांग आप क्या कहेंगे? जैसा कि हम लोग आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हम अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सके हैं और हम अपनी पढ़ाई को अभी हमारे पास टाइम अभी दो महीने हैं अभी हमारे पास, जिससे हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लर्निंग स्टार्ट कर तो सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर को याद करते हैं, जिससे वो शॉर्ट आंसर हमें आसानी से याद हो जाते हैं। तो पहले हम लॉन्ग आंसर को याद करें, ये देखिए टिप्स निकल करके आया है, फिर हम शॉर्ट आंसर पर ध्यान दें, वो अपने आप आ जाएगा। ये बात निकल करके आई है, छोटी छोटी बातें जो है आपको आपके जीवन में, आपके जो आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं की, वो आपको आगे ले जाएंगी। ये इसीलिए हमने ये बच्चों से और ये होनहार छात्र हैं जो प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद के, जहाँ के बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में निरंतर जो टॉप जिले की सूची है उसमें तो स्थान बना ही रहे हैं, प्रदेश की सूची में भी अब वो स्थान बनाने लगे हैं। तो वहाँ के शैक्षिक जो माहौल है, जो स्तर है, उसका अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है। हम आखिर में चलेंगे फिर एक बार और जानेंगे संक्षेप में, विवेक कुमार ये बताइए आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं जो बनना चाहते हैं? मेरा बनने का एम है जो मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा और अपने टीचर के माध्यम से उसे गाइडलाइन लेना चाहूँगा कि वो किस तरह से अपने योग्यता के बल पर अन्य क्षेत्रों में गए हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मैं उनके पास रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। वो हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त कर दिलवाते हैं, जिससे हमें आसानी से कोई क्वेश्चन या अन्य सभी सब्जेक्ट से जानकारी प्राप्त हो जाती है। आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? इंजीनियर में हमें बहुत शौक है। अब खुद में अपने में एक शौक है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, यह आपने तय किया है, ठीक है। आयुष आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईएएस करूँगा, डीएम बनूंगा। कैसे आपके दिमाग में आईएएस बनने की उत्पत्ति हुई? मुझे अपने देश की सेवा करनी है, इसीलिए देश की सेवा करने के लिए। तो देश की सेवा करने के लिए आईएएस बनना चाहते हैं आयुष, इनका कहना है। अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इन बच्चों में अभी से, ये लक्ष्य तो हर एक आदमी को साधना है, अगर लक्ष्य आपने नहीं साधा तो प्राप्त भी नहीं होगा। अगर विवेक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आयुष जो है आईएएस बनना चाहते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये होनहार छात्र अभी से अपने अंदर इस चीज़ को पाल कर चल रहे हैं। अब हम चलेंगे इम्तियाज अहमद के पास, उनसे जानेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं। जी हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और हमें गरीबों की सबकी सेवा करनी अच्छा लगता है और हम चाहेंगे कि जब हम डॉक्टर बने तो अच्छे से हम अपने देश की और अपने देश के जनता की अच्छे से सेवा कर पाएं। शिवांग मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने एम के बारे में, मैं इंडियन आर्मी के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं देश की सेवा करने में मेरा बहुत बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं देश की सेवा करने के लिए मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ। क्या बात है, ये है विद्यालय में, जहाँ पर एक विद्यालय में अलग अलग छात्रों से अलग अलग जिज्ञासाएं हैं। कोई कह रहा है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, कोई कह रहा है इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई कहता है आर्मी में जाना चाहते हैं, कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर विद्यालय में सब कुछ है, ऐसा माहौल है, ऐसा गुरुजनों ने इन्हें इस लायक बनाया है, तो निश्चित तौर पर इन बच्चों को एक दिन ज़रूर सफलता हासिल होगी। ये शुभकामनाएँ आई इंडिया भी आप बच्चों को देना चाहता है। तो आपको बता दें कि हमने आज जो होनहार छात्रों की जो आपके लिए टिप्स के लिए जो स्टूडियो बुलाया, ये प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के हाई स्कूल के छात्र थे, जिन्होंने आपको
ये टिप्स दिए हैं कैसे वो परीक्षाओं में तैयारी करें और कैसे अच्छे अंक लाएं। अब हम फिर अगली कड़ी में इसी विद्यालय के जो इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं उनसे जानेंगे कि कैसे अन्य विद्यार्थियों को वो जो टिप्स देंगे कैसे वो तैयारी करें, और उसके बाद हम लगाएंगे प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ही गुरुजनों की पाठशाला, उनसे जानेंगे टिप्स कि क्या करें छात्र छात्राएं और अभिभावक, ताकि उनके बच्चे एक दिन जिले का नाम रोशन करें। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एसडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।